एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रद्धाज लाइव। आपको बहुत 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 स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने अपने घरों में और बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं आज एक छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि मैं उस दिन मार्केट गई हुई थी कुछ शॉपिंग करने के लिए, तो काफ़ी लोग तो समझ गए होंगे कि मैंने किस लिए शॉपिंग की है। तो जी हाँ, मैंने कंजको के लिए शॉपिंग की है, जो अभी अपकमिंग फेस्टिवल है नवरात्रि। तो नवरात्रि के लिए मैंने फेस्टिवल के लिए कंजकों को देने के लिए कुछ सामान लाया है, और खुद के लिए भी कुछ सामान लेके आई हूँ मैं। मैंने बहुत सारी तो नहीं, बट बहुत छोटी 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 बहुत सारी शॉपिंग कंजक लोगों के लिए भी की है और मेरे लिए भी मैंने की है। सो मैंने क्या क्या लेके आई हूँ मैं आप लोगों को इस ब्लॉग में दिखाऊंगी, ब्लॉग को ज़्यादा बड़ा। सो फ्रेंड्स, मैंने जो भी सामान लाया ना, आई होप आप सभी लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि ना थोड़ा यूनिक सा है मैंने जो लाया है। तो मे भी देखते हैं आपको पसंद आता है या नहीं आता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा जो मैंने लेके आई हूँ। तो चलिए, बातों से ब्लॉग को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए, टाइम वेस्ट ना करते हुए, चलते हैं अपने इस ब्लॉग की तरफ और देखते हैं मैंने क्या लाया है। चलिए, तो ना फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करती हूँ कंजकों के सामान से, जो उनके लिए मैंने लाया है वो मैं पहले आप लोगों को दिखाती हूँ, उसके बाद फिर मैं मेरा सामान दिखाऊंगी जो मैंने लाया है, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो कंजकों का सामान है ना अभी नवरात्रि जो है। सो चलिए चलते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि मैंने लाई है चुन्नियाँ, जो ओढ़नी होती है, चुन्नी होती है, वो लेके आई हूँ मैं, जो उनके सर पे ढकने के लिए होती है। तो वो सबसे पहले मैं लेके आई हूँ, जो एक डज़न है। मतलब मैं जहाँ गई थी ना फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊँ, वो होलसेल मार्केट है, वहाँ पे सारी चीज़ें डज़न के हिसाब से ही मिलती हैं, कुछ भी चीज़ें मतलब सिंगल नहीं मिलती। तो नागपुर का गांधीबाग मार्केट सबसे फेमस है, सबसे बड़ा है। जो नागपुर से बिलोंग करते हैं उन लोगों को पता ही होगा कि वहाँ का मार्केट काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी वेराइटीज़ देखने मिलती है और बहुत रिजनेबल प्राइस में भी देखने मिलता है। यूट्यूब चैनल पर सॉरी, मैं ऑनलाइन मैंने बहुत सर्च किया और मैंने इंस्टा पेज पर, मैं कोलैब करते रहती हूँ, तो मैंने इंस्टा पेज पर भी देखी कि काफ़ी कंजकों के लिए सामान था। बट मैंने ना, मुझे ना थोड़ा रीज़नेबल नहीं लगा, मुझे लगा कि थोड़ा सा कॉस्टली जा रहा है, इसलिए मैंने सोचा चलो एक बार विजिट कर लिया जाए कि ऑफलाइन भी सामान अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है या नहीं है। तो इसलिए मैंने पहले ऑफलाइन गई और ऑफलाइन थोड़ा अच्छा है इसलिए मैंने ले लिया। तो वहाँ पे सारी चीज़ें डज़न के हिसाब से मिलती हैं, सो इसीलिए वहाँ पे बहुत अच्छा होता है, रीज़नेबल होता है लेना। तो मैंने वहीं से लिया है, गांधीबाग मार्केट से। तो ये है चुन्नी, जो सबसे पहले कंजकों के लिए होने वाली है, नौकन्याओं के लिए होने वाली है। और उसके बाद में मैंने लिए हैं ना पूरा ये बॉक्स, ये देखिए, ये पूरा टिफिन बॉक्स है जो मैंने कंजकों के लिए लिया है, और बहुत ही प्यारा है, ये देख सकते हैं आप, बहुत ही ब्यूटीफुल है। मतलब ये ना थोड़ा सा यूनिक लगा मुझे, मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ, मुझे थोड़ा यूनिक लगा। टिफिन बॉक्स तो है, एक्चुअली मैं लेने कुछ और गई थी, मैं लेने गई थी कंपोस्ट बॉक्स जो होता है बच्चों का, वो लेने गई थी, क्योंकि उन लोगों को क्या है ना, ऐसी चीज़ें देना चाहिए जो उनकी यूज़फुल हो, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो आती कंजकें वो पढ़ती हैं, पढ़ाई वाली ही होती है। तो मैंने सोचा चलो उनके स्कूल में कुछ काम आए, ऐसी चीज़ें दूँ, तो कंपोस्ट बॉक्स लेने गई थी। बट मुझे ना उसकी क्वालिटी भी पसंद नहीं आई उतनी, और उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, मतलब सारी चीज़ें मैंने देखी तो उस हिसाब से मुझे ठीक नहीं लगा। तो मुझे लगा कि हाँ, टिफ़िन बॉक्स बहुत बढ़िया है और इसकी क्वालिटी भी इतनी प्यारी, इतनी सुपर्ब है ना सच में, मतलब ऑनलाइन में आप लोगों को पता भी नहीं चलता कि क्वालिटी कैसी है और क्या नहीं क्या है। और इसकी क्वालिटी भी मैंने चेक किया, बहुत ही मस्त क्वालिटी का टिफ़िन है ये। तो सबसे पहले इसको मैं पैक हो गया, और ये है टिफिन बॉक्स। तो ऐसे मैंने 12 पीसेस, मतलब पूरा एक डजन में लेके आई हूँ कंजकों के लिए। और टिफिन बॉक्स मुझे सच में बहुत अच्छे लगे, मतलब आपको कैसे लगे पता नहीं, आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, मुझे बताना। और चुन्नी हो गई, टिफिन बॉक्स हो गया, उसके बाद मैंने लिया है ये बॉटल्स, ये देखिए ये बॉटल्स ली है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की बॉटल्स हैं, बहुत ही मस्त है, ये देखिए, मतलब ये बॉटल्स हैं, मैं बॉटल लेके आई हूँ। बॉटल्स भी बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, मेरी कुहू ने तो पहले से ही एक निकाल भी लिया है यूज़ के लिए, तो अब बच्चों को क्या ही कहना। और उसके बाद में बॉटल्स भी मैं लेके आई हूँ, टिफिन बॉक्स भी लेके आई। और उसके बाद में मैं कहते हैं कि जो कंजक आती है तो उन्हें सिंगार का सामान देना चाहिए, मैं हमेशा तो उन्हें दिया करती थी, मतलब नेल पेंट, बिंदी और क्लिप्स वगैरह दिया करती थी। बट इस टाइम ना मैंने ना सोचा कि बच्चे थोड़ा सा और
खुश हो जाते हैं ना, मतलब कुछ हम देते हैं, कुछ नया करते हैं तो बच्चे लोगों को बड़ी खुशी होती है। तो मैंने सोचा चलो उनकी स्टडी में कुछ काम आए, उनकी पढ़ाई में भी कुछ काम आए, ऐसी भी चीज़ें मुझे देना चाहिए। तो मैंने उसके साथ में उनकी स्टडी में काम आने वाली चीज़ लाई है, ये पेन। मतलब ये पेन है जिसमें ना ये कार्टून्स बने हुए हैं, आप देख सकते हैं इस टाइप की कार्टून्स हैं, और ये पेन है जो सही का है, मतलब इस पे अभी वो ओपन नहीं है, आप देख सकते हैं। बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें मैंने लेके आई, मुझे पसंद बहुत अच्छा रहा है। बच्चे वाली चीज़ें बड़ी अच्छी लगती है ना, क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं तो ऐसा लगता है वाह यार ये देखिए कितने सुंदर मतलब पेंस है। ये पेन उसके साथ ही साथ काफ़ी लोग कहते हैं ना कि कंजकों को सिंगार का सामान भी देना चाहिए, बहुत शुभ होता है नवरात्रि में नौकन्याएं जो आती है, तो बस इसीलिए मैं उनके लिए ये बिंदी के ये भी लेके आई हूँ। ये देखिए बिंदी के पैकेट्स भी लेके आई हूँ जिसमें 10 पैकेट्स है, 6 है, मतलब 12 पैकेट्स है इसमें। तो जो कन्याएं हैं कभी कभी होता है कि एक दो एक्स्ट्रा की आ जाती है तो उनको देने के लिए भी आ जाएंगे। तो मैंने टिफिन बॉक्स, बॉटल, पेन और बिंदी की पत्ती, बिंदी का पैकेट और ये चुन्नी, ये चीज़ें मैं लेके आई हूँ अपनी कंजकों के लिए। आई होप आप लोगों को भी पसंद आएगा और मेरी जो आने वाली कंजकें हैं, जो कन्याएं हैं मेरे घर में जो आएंगी, उन्हें भी ये सब चीज़ें पसंद आने वाला है। और ना फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताऊँ ना कि जब ये सब होता है ना, खाना वगैरह रखते हैं सच में, कि जो कंजकें होती है, जो नौ कन्याएं हमारे घर में आती है ना, तो इतना अच्छा लगता है, मतलब लगता है कि हाँ नौ देवियाँ खुद हमारे घर में आई हुई हैं, और मतलब हम खुद उन्हें इनवाइट करते हैं तो वो हमारे घर में आई हुई है, तो ऐसा लगता है ना कि उन्हें कुछ ऐसा दे के इम्प्रेस किया जाए, इतना खुश किया जाए कि वो हमें सच में आशीर्वाद दे और ऐसा लगे कि हाँ वो आई है तो कुछ खुश होके ही जाए हमारे घर से। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर मैं किसी के लिए कुछ करूं तो वो ज़रूर मेरी दी हुई चीज़ से या मेरी कुछ की हुई चीज़ से वो खुश हो जाए। तो बस इसीलिए मैं अपने इतने एफर्ट डालती हूँ कि उन लोगों को मैं जो भी दूं उससे वो खुश हों। सो बस यही है कि मैंने इतना जो सामान लाया है, आई होप मेरी जो कन्याएं हैं उनको पसंद आने वाला है। सो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को ये थोड़ा अच्छा लगा या नहीं लगा। थोड़ा नहीं, मुझे तो पूरा अच्छा लगा। अब कंजकों का सामान हो गया यहाँ पर ख़त्म, तो देखते हैं अब मैंने क्या लाया है मेरे लिए। मैंने मेरे लिए बहुत सी चीज़ें ली है, बट छोटी 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 चीज़ें ली हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आपको बताओ ना कि हमेशा जब भी हम मार्केट जाते हैं, घर से निकलते हैं ना, तो सोच के कुछ और जाते हैं और लेके कुछ और आते हैं। मतलब हमेशा मेरे साथ, पर्सनली मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा होता है कि मैं सोच के कुछ और जाती हूँ और लेके कुछ और ही आ जाती हूँ, और ना मतलब वहाँ पे जाके कुछ और ही पसंद आ जाता है। इस बार भी मैं सोच के गई थी कंजकों के लिए मैं कंपोस्ट बॉक्स लेके आऊँगी, क्योंकि उन लोगों की स्टडी में काफ़ी काम में आने वाली चीज़ है। बट ना वहाँ जाके मैंने जब देखा तो मुझे क्वालिटी वाइज इतना अच्छा नहीं लगा, रेट और क्वालिटी ये सब चीज़ें जब मैंने मैच किया तो मुझे ठीक नहीं लगा। तो मैंने ना ये टिफ़िन बॉक्स लेके आए, इसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा लगा इसीलिए मैंने ये चीज़ लेके आई। तो सेम मेरे साथ यही चीज़ हुई, सोच के गई थी कुछ और लेके कुछ और आई हूँ, बट हाँ जो लेके आई हूँ उस पर मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ मिली है जो मुझे मिली है। सो ये तो मे बी आपके साथ भी होता होगा, मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके साथ मे बी ऐसा होता है क्या। तो मेरे साथ तो बहुत होता है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी और देखते हैं मैंने मेरे लिए क्या लेके आई हूँ। मैंने मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आई हूँ, बट छोटी 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 चीज़ें लेके आई हूँ, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या लेके आई। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊँ ना कि मैं बातें बहुत ज़्यादा करती हूँ, ठीक है। मैं आपको बताऊँ ना, मुझे मंगलसूत्र जो होते हैं ना उसकी वेराइटीज़ रखना बहुत पसंद है। मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है ना कि अलग अलग टाइप के मंगलसूत्र, तो मैंने ना इस बार इतने सारे मंगलसूत्र लिए हैं, इतनी सारी लर ली है ना मंगलसूत्र की, मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा मुझे जो पसंद आया मंगलसूत्र वो मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि बहुत 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 ही प्यारा है। आई होप आपको भी पसंद आने वाला है। ये देखिए, ये है जो मैंने लेके आया है, मतलब इतना सुंदर है ना। ये देखिए इसमें ये एक डोरले टाइप का एक पेंडेंट दिया हुआ है, और ये जो इसकी लर है ना, ये क्रिस्टल जो शाइन करती है ना, वैसी क्रिस्टल टाइप की है जो बहुत शाइन करती है, देख सकते हैं। ये देखिए मतलब ऐसी ना शाइन करती है, बहुत ही प्यारी है। मतलब इतना सुंदर लग रहा था ना, बहुत ही प्यारा लग रहा था ये। सो पास से देख के आई होप आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि इसमें पसंद आने लायक का क्या है। मुझे तो बहुत कि एक लर ये लेके आई हूँ मैं, देखिए मंगलसूत्र की, जिसपे मेरे पास में बहुत से पेंडेंट है जिनके जिन्हें मुझे लगाना है, तो मैं ये लर लेके आई हूँ। ये अच्छी लगी मुझे,
ये लेयर लेके आई हूँ एक मैं, जो बहुत ही सुंदर है, मतलब सिंगल लेयर है। मुझे ना डबल लेयर के डबल लेयर के मंगलसूत्र ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं, मतलब वो थोड़े से टिपिकल दिखते हैं, तो मुझे ना सिंगल लेयर के बहुत पसंद आते हैं। तो ये सिंगल लेयर की, ये देखिए, ये सिंगल लेयर की बहुत ही सुंदर है। मेरे पास पेंडेंट है तो मैं इस पर लगाने वाली हूँ, ये लेयर है, ठीक है। तो ऐसी मैं दो लेयर लेके आई हूँ, ये देखिए, ये दो लेयर्स लेके आई हूँ। तो फ्यूचर में मे भी मुझे काम है, क्योंकि ना मैं घर में बैठे बैठे कुछ ना कुछ करते रहती हूँ, मतलब उसमें उसका पेंडेंट उसमें निकाल के, उसका उसमें निकाल के, ऐसा कुछ करके, मतलब अच्छा लगता है। और मैं आपको दिखाती हूँ अब महाराष्ट्रियन स्टाइल, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ ना। और देखिए ये मंगलसूत्र, इसका पेंडेंट देखिए, बहुत सुंदर लगा मुझे ना, बहुत अच्छा लगा ये पेंडेंट, पता है इतना अच्छा लगा ना। इसमें डबल लेयर है तो मैं इसका लेयर एक निकालूंगी, क्योंकि मुझे डबल लेयर पसंद नहीं है जैसे मैंने आपको बताया, बट इसका पेंडेंट मुझे इतना प्यारा लगा, बहुत ही सुंदर पेंडेंट लगा मुझे ये, तो मैंने ये ले लिया एक मंगलसूत्र। क्योंकि मुझे अलग अलग साड़ीज पे अलग अलग मंगलसूत्र पहनना बहुत अच्छा लगता है, और मंगलसूत्र की वेराइटीज़ भी रखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे डांट पड़ती है घर पे कभी कभी मेरे हस्बैंड से कि इतने सारे मंगलसूत्र लेके तुम क्या करोगी, बट मेरा दिल है कि मानता नहीं। और देखिए ये है दूसरा मंगलसूत्र, जो मैंने, जो महाराष्ट्रियन स्टाइल में, महाराष्ट्र से जो बिलोंग करते हैं, मतलब महाराष्ट्रियन की ये स्पेशलिटी है ना कि महाराष्ट्र में ये डोरले टाइप की मंगलसूत्र बहुत वेयर करते हैं, तो मुझे ये पसंद आया, जिसमें कलरफुल टाइप के ऐसे ये दिए हुए हैं, देखिए इस टाइप का है। तो ये इस टाइप के हैं, मतलब साड़ी के ऊपर पहनने के बाद ना बहुत अच्छा। मेरा क्रेज आप देख सकते हैं कि मुझे मंगलसूत्र कितने पसंद है, एंड ना फ्रेंड्स, मुझे मंगलसूत्र इतने पसंद है ना कि आप मेरा क्रेज देख सकते हैं। ये देखिए इतने सारे, मतलब इतने सारे मंगलसूत्र ही मंगलसूत्र हैं मेरे पास में, इतने सारे, मतलब मेरे पास सिर्फ मंगलसूत्र ही है जो मैं लेके आई हूँ। तो यहाँ पर मेरा मंगलसूत्र का स्टॉक होता है ख़त्म। मंगलसूत्र मैंने बस इतने लेके आई हूँ, मतलब कितने, एक दो तीन, तीन मंगलसूत्र हैं और 5 से 6 लेयर है जो मैं लेके आई हूँ मंगलसूत्र की। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊँ, मुझे ना कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा, मतलब जो लेडीज़ हैं उन लोगों को पसंद होते हैं, जहाँ तक मुझे पता है ना कि उन लोगों को मंगलसूत्र की डिज़ाइंस बहुत अच्छी लगती है, अलग अलग मंगलसूत्र रखना, उनकी वेराइटीज़ रखना, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर गोल्ड के होते तो क्या ही कहना, बट गोल्ड के भी मेरे पास में है, 2 से 3 मंगलसूत्र मेरे पास गोल्ड के भी है, शायद ज़्यादा ही होंगे तो मेरे पास में है, बट ना गोल्ड इतना सारा हम लोग नहीं ले सकते और इतनी वेराइटीज़ में तो नहीं ले सकते हम लोग, तो मुझे आर्टिफिशियल भी बहुत पसंद आते हैं। और मैं, मुझे ऐसा नहीं है कि हाँ गोल्ड का ही पहनना है, आर्टिफिशियल नहीं पहनना है, मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मैं जो मुझे पसंद आता है मैं वो पहन लेती हूँ। तो बस ख़त्म, और अब स्टार्ट करते हैं जो मैं, जो एक्सेसरीज़ मेरे लिए हैं वो लेके आई हूँ मैं। मैंने इस बार छोटी छोटी चीज़ें जो ली हैं वो दिखा रही हूँ। ये बैंगल्स लेके आई मैं, बहुत सुंदर है, मतलब नहीं दिख रहा, मतलब ये जो बैंगल्स है ना ये रोज गोल्ड कलर के हैं, रोज गोल्ड कलर का है, जो पहनने के बाद में ना बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है, तो मुझे पसंद आया तो मैंने ले लिया बैंगल्स। मेरे पास चूड़ियों के बैंगल्स के बहुत सारे सेट है, बहुत सारे ये है, क्योंकि मेरे पास कोलैबोरेशन के लिए भी आते हैं और मुझे पसंद भी है तो मैं खुद भी लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि कोलैबोरेशन का ही है तो बस वही मैं यूज़ करती हूँ, ऐसा नहीं है। कोलैबोरेशन की कुछ चीज़ें अच्छी भी होती है, कुछ चीज़ें नहीं होती है, और कुछ अपने मन से लेना तो अपनी पसंद का लेना बात ही कुछ अलग होती है। और ये देखिए मैं ये लेके आई, मतलब ये मैं लेके आई हूँ कुहू के लिए स्पेशली, मतलब कुहू को का जब मैं करती हूँ पोनीटेल तो उसके लिए मैं लेके आई हूँ। बहुत सुंदर सा है, इस पर स्पार्कल ये लगे हुए हैं, टिकली लगी हुई है स्पार्कल टाइप की, और ये है, इसे मैं भी यूज़ कर सकती हूँ, वो भी यूज़ कर सकती है। और सेकेंड ये लेके आई हूँ मैं मेरे लिए, ये जो है आजकल बहुत ट्रेंड में है ना, मतलब ये ऐसे बालों पे लगाने के लिए, तो बस उसलिए मैं लेके आई हूँ, बड़ा सुंदर लगा मुझे ये। उसके बाद में मैं लेके आई ये रबर बैंड्स, रबर बैंड्स मेरे लिए कुहू के लिए, हम दोनों के लिए बहुत यूज़फुल है क्योंकि हम लोगों को बहुत यूज़ में आते हैं, तो ये लेके आई हूँ मैं। और ये रबर बैंड, और ये रब, और ये रबर बैंड ना, मैं एक बैग लेके आई हूँ जो मेकअप बॉक्स होता है ना वो वाला, क्योंकि ना
या मेरा जो मेकअप बॉक्स था वो थोड़ा सा फट गया था, तो मैंने सोचा कि ये वाला मैं ले लूँ। ये देखिए मुझे अच्छा लगा, मतलब पीच कलर का है, प्यारा था, कलर भी बहुत प्यारा था। और सेम ऐसा ही है मेरे पास में जिसपे मैंने सारा सामान रखा हुआ है, तो वो थोड़ा फट गया है, तो मैंने सोचा चलो अब इसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो बस इसीलिए मैं इसे मुझे दिख गया तो मैंने ये लेके आया। तो वैसे भी मैं जिस मार्केट में गई थी वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो पसंद आने वाली ही होती है, बट हाँ हाँ दिल को मना के रखना पड़ता है, नहीं 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 अभी नहीं लेना, अभी नहीं लेना है, क्योंकि मैंने अभी लेके गई थी, क्योंकि मैं बहुत मतलब जब भी जाती हूँ तो कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ जो नहीं ख़रीदना होता है वो भी ख़रीद के ले आती हूँ। तो ना मैंने मुझे ये दिखा तो मैंने ये खरीद लिया। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था ना कि मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है, लेकिन बहुत सारी नहीं भी है, क्योंकि ना बहुत छोटी 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 चीज़ें खरीदी है मैंने, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं है इसलिए इतना सारा नहीं दिख रहा है, बट ना बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो मेरे लिए कुछ सामान था, कंजकों के लिए कुछ है, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि हाँ आप लोगों के साथ में शेयर किया जाए ये ब्लॉग, क्योंकि मैं मार्केट ब्लॉग ज़्यादा शेयर मैंने कभी नहीं किया है, फर्स्ट टाइम मैंने ये मार्केट ब्लॉग शेयर किया है कि मैं क्या लेके आई हूँ और क्या कंजकों को देने वाली हूँ। तो बस आई होप आप लोगों को पसंद आएगा ये ब्लॉग, और मैंने जो सामान लाया है वो भी पसंद आएगा। आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को जो भी मैंने लाया है वो पसंद आया या नहीं, और मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग प्लीज़ 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 मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जो भी नए हैं, और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, मेरे जो नए नए वीडियोज़ आते रहेंगे, जो अच्छे अच्छे वीडियोज़ आएंगे तो आप लोगों को मिलते रहें। क्योंकि मैं व्लॉग्स तो ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, बट आपको बता दूँ कि अभी अपकमिंग फेस्टिवल्स कंटिन्यू हैं, तो मैं फेस्टिवल्स के वीडियोस बनाते रहती हूँ, और घर पे जो भी स्पेशल ओकेजन है, इवेंट्स है, उसके मैं बनाते रहती हूँ वीडियोस, तो मैं उसका वीडियो आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी उसके व्लॉग्स। सो आप मिस बिल्कुल भी ना करें, इसलिए बेल आइकन पर प्रेस कर लें, और जो भी नए हैं मेरे चैनल पर प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और मेरे इस ब्लॉग को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।